हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या होती है, डीलिंग होती है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है इसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में, कहां इंडस्ट्रियल लेवल पे, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे जीएमओ की बात हो, चाहे वो किसी जेनेटिक लेवल पर डिजीज सही करने की बात हो, लेकिन ये क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी सभी चीजों में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है और ये बहुत ही यूजफुल वे ऑफ साइंस है, ये यूजफुल ब्रांच ऑफ साइंस है। दूसरी बात क्या है कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, सबसे लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हम इसको किसी भी जीन से ट्रांसफर करके बदल सकते हैं, यानी जीन में हम मेलफेयर कर सकते हैं। कैसे, हम अपना डिजायर्ड जीन लेके और उसके बाद एक उसमें फॉरेन जीन डाल के। तो मैंने क्या किया था कि एक जीन लिया, एक डीएनए लिया, कौन सा हमारा एक डिजायर्ड डीएनए था, उसके बाद उसमें क्या डाला, फॉरेन डीएनए, यानी कोई दूसरा डीएनए उठा करके डाला। लेकिन इसमें हम लोग क्या क्या चाहिए था, वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता बाहर, यानी ले जाने वाला, या कोई मीडियम। तो वेक्टर में हम लोगों ने क्या लिया था, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद क्या किया था, उस प्लाज्मिड में डालने के बाद उसको हम लोगों ने बायोरिएक्टर में रख दिया, क्योंकि बायोरिएक्टर क्या होते हैं, एक तरह से उस जो बैक्टीरिया हम लेते हैं या बाकी ऑर्गेनिजम जो लेते हैं उसमें क्या होता है, उसको कल्चर किया जाता है। कल्चर करने का मतलब ये होता है कि कॉलोनी जो होती है वो ग्रो करवाई जाती है, जिससे हमें पता चल सकती जो हमारे रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर नेगेटिव आ रहे हैं। इसके लिए हमें कल्चर तैयार करना होता है जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो कर पाए, तो उसके लिए बायोरिएक्टर की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, लेकिन हम इसका यूज यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी उसके उपयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग। तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे इसका उपयोग हो सकता है, हम लोग इसका उपयोग करते हैं, हम जो क्या करते हैं, मेडिकल लेवल पर इसका उपयोग होता है इंसुलिन फॉर्मेशन, कहाँ, इंसुलिन फॉर्मेशन, इंसुलिन बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। दूसरा काम होता है इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर में यूज होता है। तीसरा यूज कहाँ होता है, जीएमओ। उसके बाद क्या होता है, जीन थेरेपी। फिर क्या होता है, बायो पायरेसी, यानी इसका यूज कहां कहां करते हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन, यानी कृत्रिम रूप से इंसुलिन का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें जो मौसम होता है, जैसे बारिश, धूप या फिर सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी फसलें जो होती है वो खराब हो जाती है। तो इसके लिए एग्रीकल्चर ने कुछ, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर कुछ क्या किए, उपाय निकाले जिसको इसमें यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इनके जीन्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं ताकि ये भी क्या करते हो, हर मौसम में या डिजीज भी कहते हो, प्रतिरोधक क्षमता वाले, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती, बहुत ज्यादा हाई हो जिसकी वजह से इनमें किसी भी तरह की डिजीज ना हो सके। नेक्स्ट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है जब भ्रूण बनता है, जब जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है आफ्टर डिवीजन, तब क्या होता है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस एम्ब्रियो में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसकी जीन्स में कोई खराबी तो नहीं, इसके अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर ऐसे चांसेस होते हैं या ऐसा कुछ होता है तो उस जीन थेरेपी के थ्रू हम उस जीन को हटा सकते हैं और नए जीन को लगा सकते हैं। तो ये कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वहां पर डिवीजन जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है बायोपायरेसी। इसका हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल यूज करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी इसमें बहुत सारे इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन फॉर्मेशन की। अब अगर बात करें कि इंसुलिन फॉर्मेशन की, इंसुलिन होता है, सबसे पहले तो हमें यह पता
पता होना चाहिए। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन होता है जो हमारे पैंक्रियाज से सक्रिय होता है। पैंक्रियाज क्या होता है? हमारा जो है ग्लैंड होती है जो डाइजेशन में भी हेल्प करती है, और ये कैसी होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड होने के कारण इसका जो नेचर होता है इसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह का सिस्टम होता है। और पैंक्रियाज में और स्पेशलिटी होती है, एक और फायदे होती है कि पैंक्रियाज जो होता है वो 98% होता है। कैसा होता है? यानी 98% कैसा होता है? एंडोक्राइन होता है। और 92% बचा वो कैसा होता है? एक्सोक्राइन होता है। ये कोई लिखने की बात नहीं है, मैं आपको बताती क्या हूँ कि मिक्स नेचर का होता है कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं, यानी कि एंजाइटी सेक्रेट होता है एज वेल एज हॉर्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं। तो इसमें पाया जाता है जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें पाया जाती है आइसलेट ऑफ लैंगर हैंड। इसको लैंगर हैंड नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगर हैंड। ये होता है इसका एंडोक्राइन पार्ट जिसमें पाई जाती है कुछ टाइप की सेल्स, अल्फा बीटा एंड गामा सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो होती है उससे सेक्रेट होता है ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन, और बीटा सेल्स से सेक्रेट होता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो शुगर का लेवल होता है उसको बैलेंस करने का वर्क करता है। तो हमारा जो शुगर लेवल होता है वो बैलेंस रहता है जब हम फूड लेते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में शुगर मॉलिक्यूल होते हैं यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा ना हो इसलिए इंसुलिन क्या होता है? सेक्रेट होता है, शुगर के लेवल को बैलेंस कर देता है। और क्या होता है? तो अल्फा सेल्स होती है वो सेक्रेट करती है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये क्या करती है? जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल जो होता है वो कम होता है तो वो शुगर लेवल को बैलेंस करती है। लेकिन इंसुलिन क्या करता है? इसका जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है। जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा होता है या शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करने का वर्क करता है। ये शुगर के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है या फिर उनको ब्रेक डाउन कर देता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि ये उससे होता क्या है। तो इंसुलिन के अगर इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। टू टाइप की होती है, टाइप वन एक टाइप टू। तो टाइप वन जो होता है वो छोटे छोटे बच्चों में होता है, और टाइप टू जो होता है वो आफ्टर 30-40 इयर्स ओल्ड क्या होता है? बड़े लोगों में बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है? जो बॉडी में शुगर का लेवल होता है बहुत बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी से इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो रहा होता तो शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। और क्या होता है? वो यूरिन के साथ पास आउट होने लगता है जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वीक हो जाती है, और उसका जो सिस्टम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि मार्केट में जो आर्टिफिशियली इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं ताकि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले उनको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस रहे, और जो फूड है वो शुगर के लेवल को कंट्रोल कर ले उसके बाद जो ब्लड में पहुंचता है तब। लेकिन ये जो इंसुलिन थे ये फ्रेडरिक सिंगर नाम के वैज्ञानिक ने एनिमल्स की बॉडी से क्या किया था? उनके जीन को अलग किया था, उसके बाद उसको वैक्सीन के फॉर्म में बदल दिया था। अब क्या किया था, कैसे बनता है ये इंसुलिन? क्या है? प्रोटीन। जितने एंजाइम हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह के प्रोटीन होते हैं। तो इंसुलिन भी क्या है? प्रोटीन है। अब जब प्रोटीन की बात करें सबसे पहले क्या होता है? इसको ऐसे अलग किया जाता है प्रो इंसुलिन, उसके बीच में क्या बॉन्ड्स बने होते हैं, उसके बाद ये एक पेप्टाइड चेन है, उसके बाद दूसरी पेप्टाइड, यानी दो पेप्टाइड चेन को आपस में क्या किया जाता है? मर्ज किया जाता है, जिससे बनती क्या है? फ्री टी पेप्टाइड चेन। ए पेप्टाइड चेन है, एक बी पेप्टाइड चेन है, इन दोनों को जब मर्ज किया जाता है तो बनती क्या है? सी पेप्टाइड चेन। ऐसे क्या होता है? इंसुलिन का फॉर्मिंग। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक हमारा डीएनए होता है, एक क्या होता है? फॉरेन डीएनए होता है। उन दोनों को प्लाज्मिड्स क्या करते हैं? फ्यूज कराते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं, उसको कल्चर करते हैं। जब इन फ्यूचर वो रिजल्ट पॉजिटिव देता है, आफ्टर सम टाइम वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तब क्या करते हैं? उसको मार्केट में या जहां पे हमें डालना था उस जीन को उसमें इंसर्ट करा देते हैं। ऐसे ही इंसुलिन बनाते हैं। क्या करते हैं? एक डीएनए निकालते हैं, उसके बाद उसका डीएनए कौन सा जो हमें चाहिए। जैसे हमने किसी भी
हमारी बॉडी से निकाला, उसके एनिमल से निकाला। आप उसको कहाँ पे एनिमल इंसर्ट कराएंगे? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, क्योंकि उनका जेनरेशन पीरियड बहुत कम होता है और जनरेशन भी बहुत जल्दी उनकी आ जाती है जनरेशन। और दूसरी चीज क्या होती है, क्योंकि कॉलोनी बहुत जल्दी बनती है। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने वो जो जीन थे वो दोनों कंबाइंड करवाए एंजाइम से, उसको अब हमने क्या किया, उसको ईकोलाई किसी और बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था तो उसको इंजेक्शन के थ्रू इन विट्रो कल्चर के लिए हमने रख दिया, जिसको हम लोग मार्केट में इंसुलिन के इंजेक्शन के रूप में सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। जितनी भी मेडिकल इंडस्ट्री होती है वो यही करती है। अब बात करते हैं कि इसको खोजा किसने था। 1983 में एली ली नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बनाया था, ह्यूमुलिन। यानी इंसुलिन कैसे बनाया था, ह्यूमन बींग के जीन से क्या क्या सेपरेट करके क्या बनाया, उसको बोला गया ह्यूमुलिन। फ्रेडरिक सेंगर ने एनिमल्स की सेल से बनाया था, इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन की सेल से बनाया था, और स्कॉलर ने क्या नाम दिया, ह्यूमुलिन। नेक्स्ट है वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन प्रोडक्शन को सबसे पहले किसने बताया था, एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन होती है हमारे इम्यून सिस्टम में जब कभी कोई वायरस इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैक्सीन हुआ, वैक्सीनेशन हुआ। वो क्या होता है, टाइप ऑफ वायरस होता है, ताकि जब फ्यूचर में वो वायरस हमें दोबारा अटैक करता है हमारी बॉडी में, तो जो उसकी मेमोरी सेल्स होती है, जैसे यहाँ पर हमारे वैक्सीन लगी, हाथ में हमारे वैक्सीन लगी, अब क्या होता है, जब वही वायरस अटैक करेगा सेम वायरस, तो वो जो वैक्सीन लगी थी उसमें क्या जनरेट हुई, मेमोरी सेल्स जनरेट हुई। तो जब कभी वो वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो वही मेमोरी सेल्स क्या करती है, उनको मारने का गर्व करती है, यानी वो वायरस हमारी बॉडी में फिर अटैक नहीं कर पाता। ये किसने बताया था, एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, वैक्सीन प्रोडक्शन के फॉर्म में। यानी इन्होंने कैसे बताया, टीकाकरण की विधि इन्होंने खोजी थी। नेक्स्ट है मेडिसिन। तो मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे कुछ हार्ट अटैक की मेडिसिन, हम लोग बहुत सारी नई मेडिसिन, जो नई बीमारियां होती हैं, कैंसर हो गया या ऑपरेशन के टाइम पे कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, ऐसे जनरल जो बीमारी होती है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, ये क्या बताता है, बायोटेक डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाती है। कैसे, ये हम पता लगाते हैं कि जो एम्ब्रियो बन रहा है, जायगोट के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है, हम ये पता लगाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। जीन थेरेपी कब होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे होती है, जब हम उसकी सेल्स को आराम से बदल सकते हैं, डिवाइड हो रही होती है उस टाइम से, तो उसके जीन को हम आराम से निकाल के दूसरा दिमाग पे सेट कर सकते हैं, कब, जब उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम लोग हेल्प लेते हैं पीसीआर की और एलाइजा नाम के टेस्ट की। पीसीआर में क्या करते थे हम लोग, कि डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को फॉर फ्यूचर रख लेते थे, सेव करके उसके फ्रेगमेंट्स को पहले काटते थे, उसके बाद उसको स्टोर कर लेते थे। एलाइजा में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी तरह की बीमारी होती है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, उनको डायग्नोज करते हैं और उससे क्या होता है, बीमारी का पता लगाते हैं, जिससे बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये मॉलिकुलर लेवल पर होता है, यानी आणविक स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो सर्दी गर्मी बरसात और बाढ़ ये सब चीजें जो होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तब क्या आएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल यानी जिनकी जो जीन होते हैं उनमें बदलाव किया जाता है, किसी भी तरह का जीन डालिए तो कैसा होता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे वो एनिमल को कभी भी कोई डिजीज नहीं होती है। तो ऐसा कब करते हैं, जब किसी तरह का कोई बड़ा कर करते हैं, जैसे पोल्ट्री कल्चर मुर्गी पालन जब करते हैं तो क्या होता है, उसमें ऐसे ही कुछ एनिमल्स या ऐसे कुछ जीन वाले एनिमल्स लिए जाते हैं जिसमें क्या हो, किसी भी तरह कोई बीमारी ना हो, अदरवाइज क्या होता है, ये बीमारियां बहुत जल्दी फैलती है, इनके जो वायरस होते हैं बहुत जल्दी इंफेक्शन कॉज करते हैं दूसरी बॉडी में, इसलिए क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन किया है, जिससे जो एनिमल्स हों वो सेफ रहे और उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं प्लांट्स में, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, प्लांट बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसका हम लोग जीन निकाल कर उस प्लांट में इंसर्ट कराते हैं, जो प्लांट हमें क्या कहते चाहिए होता है, हेल्दी चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट कैसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं, कुछ प्लांट की बात की जाए अगर तो बहुत वीक होते हैं, यानी वो किसी भी तरह के मौसम को, जैसे ज्यादा सर्दी होती तो क्या होता है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, या फिर ज्यादा गर्मी होती है तो वो कैसे ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, उनमें
जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, पीटी होता है, या फिर क्या होता है उससे बड़ी चीज होती है पेस्ट। पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे जो कृषि है, कृषि इसमें बहुत नुकसान होता है। हम लोग क्या डालते हैं, बीटी नाम का जीन डालते हैं, इसको बोलते हैं बैकुलर क्लोरोजिएसिस। और ये जीन जिस प्लांट में डाला जाता है उसके उसको क्या, जैसे मान लो हमने ब्रिंजल में डाला तो बीटी ब्रिंजल, कॉटन में डाला तो बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो। यानी ये जीन जो जिस प्लांट में जाएगा उसको क्या बोलते हैं, बीटी उसके आगे एड करते रहता है। अब ये बीटी करता क्या है, बीटी क्या है, प्रकार का प्रतिवेशक को बोलते हैं। ये क्या करता है, जब किसी प्लांट से वो फ्यूज कराते हैं तो वो जैसे वो पेस्ट आया, उस प्लांट का पेस्ट आया और क्या होता है, वो जैसे ही उसको खाता है प्लांट को, कुछ ऐसे कैटरपिलर होते हैं जो लीफ को खाते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, वो इतने छोटे होते हैं। और ये क्या करता है, बीटी इसीलिए प्लांट में इंसर्ट कराते हैं ताकि जैसे ही वो जो पेस्ट होता है वो उस लीफ पे बैठ के उसको खाना स्टार्ट कर, तो वो क्या करता है, वो बीटी क्या करेगा, बैसिलस क्लोरोजिएसिस क्या करेगा, उस जो पेस्ट होता है उस एलिमेंट्री कैनाल को लॉक कर देगा, या फिर उसकी एलिमेंट्री कैनाल को रप्चर कर देगा, या फिर उसमें पॉइजनस सब्सटेंस होंगे वो फॉर्म कर देगा, जिससे वो क्या होता है, तुरंत मर जाता है। इसलिए क्या डाला जाता है, बीटी नाम का जीन डाला जाता है इसमें प्लांट्स में, तो उनको बोलते हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो। इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। बट ये अगर अगर पेस्ट के लिए खतरनाक हो तो ये ह्यूमन बींग एनिमल्स के लिए भी खतरनाक होता है। इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, केवल बीटी कॉटन में, क्योंकि कॉटन हम लोग खाते नहीं है। बीटी ब्रिंजल यानी बैगन भी खाते हैं, बीटी पोटैटो, आलू, टमाटर, हम लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन हम लोग कॉटन नहीं खाते। इसलिए ये कहाँ पर केवल यूज किया जाता है, कॉटन के प्लांट में, इसलिए बोलते हैं उसको क्या, बीटी कॉटन। तो ये क्या, इसको बोलते हैं जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और प्लांट, या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट। नेक्स्ट क्या है, बायोपायरेसी, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बायोपायरेसी क्या होता है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे नेशन लेवल पे या कंट्री लेवल पे, जिसमें होता क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे संगठन द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कंपनी होती हैं, वो क्या करती है, दूसरे संगठन, दूसरे यूनिट्स के द्वारा किसी देश व राष्ट्र की जैविक संसाधनों के बिना व्यवस्थित या फिर कम भुगतान करती है। क्या करती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो किसी भी दूसरे देश से ऑर्डर लेंगी, वहां पर क्या करेंगे, उनको कम भुगतान करेंगी, यानी कैश पेमेंट होता है या फिर दूसरे तरह का पेमेंट हम लोग बोल देते हैं, वो क्या करती है, बहुत कम भुगतान के जरिए उस देश के जैविक संसाधनों का उपयोग करती है, कॉल्ड बायोपायरेसी। कहने का मतलब ये, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े ब्रांड्स की कंपनी होती है, वो दूसरे दस संस्थानों से कम पेमेंट में क्या करती है, उनके संसाधनों का यूज करती है, इसको क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी। सो दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस